हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में अपने कंप्यूटर की रैम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में कौन सी रैम लगी हुई है और इसके अलावा हमारे कंप्यूटर में कितनी स्लॉट्स हैं जिनमें हम रैम को लगा सकते हैं और मैक्सिमम कितनी रैम हम अपने कंप्यूटर में अपग्रेड कर सकते हैं, और इसके अलावा रैम का जो मॉडल है, रैम किस कंपनी की है और बहुत सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन जो आज हम सिर्फ थोड़ी देर में ही कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी एक कमांड के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी वेब ब्राउज़र पर करना है और वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद आपने यहां पर सर्च करना है डाउनलोड रैम एक्सपर्ट। इसके अलावा इसके बाद आपने यहां पर डाउनलोड रैम एक्सपर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे कि मैं यहां पर डाउनलोड रैम एक्सपर्ट की इस वेबसाइट को ओपन करूंगा तो आपके सामने इस तरह से इसकी वेबसाइट आएगी। आप देख सकते हैं कि यहां पर 127 KB की एक छोटी सी फाइल है जो आपने डाउनलोड करनी है। यहां पर आपने लेटेस्ट वर्जन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहां से डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहां पर डाउनलोड बटन क्लिक करूंगा तो ये लेटेस्ट वर्जन जो है वो 3.81 MB है। आपने यहां से इसे डाउन कर लेना है। जैसे ही आप इसे डाउन करेंगे तो इसके बाद आपने इसे यहां पर डेक ओपन करना है और यस बटन पर क्लिक करना है, तो इसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन का आपके सामने आ जाएगी। आपने यहां से एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और अगेन नेक्स्ट करना है और उसके बाद आपने इंस्टॉल करना है। आपने यहां से ब्राउज़र क्लोज करने, यहां से अगर आप इस ऐप को रन करना चाहते हैं तो यहां पर आपने फिनिश करना है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने रैम एक्सपर्ट ओपन हो गई है। सबसे ऊपर हमारा एक सिस्टम इन्फो है जो हमारे सामने है। देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं वो हमारे पास 2 हैं। इसके अलावा करंट मेमोरी जो है वो 8 GB है और मैक्सिमम मेमोरी जो है वो जो हम अपग्रेड कर सकते हैं वो यहाँ पर 16 GB है। इससे आगे आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में इस वक्त 8 GB रैम मौजूद है और जिसमें से 3.84 GB जो है वो इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा आप नीचे आएँ स्लॉट वन में आप देख सकते हैं कि स्लॉट नेम है, इसके नीचे कैपेसिटी है जो 4 GB है, मैन्युफैक्चरर है कंपनी है जो भी है सैमसंग है, आपके सामने जो भी होगी वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। मॉडल है, टाइप है और यहाँ पे इसके सीरियल नंबर है। सेम वही चीज़ जो नीचे है ऊपर है वही नीचे दिखाई गई है। स्लॉट नंबर, स्लॉट नेम है, कैपेसिटी है जो 4 GB है, मैन्युफैक्चरर है हाइनेस के जो भी है, इसके अलावा मॉडल और टाइप सीरियल नंबर आपके सामने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दोनों रैम की दी गई है। इसके अलावा अगर आप इनकी PDF फाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैमसंग जो कि जो रैम है उसकी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं और यहाँ से आप दूसरी जो रैम है हाइनेस की उसकी यहाँ से इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने रैम का जो भी मॉडल है वो यहाँ पर डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह आप रैम की इन्फॉर्मेशन बआसानी यहाँ से ले सकते हैं। अपडेट ड्राइवर अपडेट्स का भी यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन यहाँ से ड्राइवर अपडेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि विंडोज़ 11 में ये ड्राइवर ऑटोमेटिकली ही अपडेट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से इसे क्लोज़ करता हूँ। तो आप इस तरह से अपने कंप्यूटर में रैम की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से एक छोटे से सॉफ्टवेयर की मदद से ले सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।